नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव 21 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बंजारा समाज के लोगों ने चुनाव को लेकर वोट न डालने का किया बहिष्कार। जनपद कन्नौज के सौरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम टडार रायपुर में बंजारा समाज वोट न डालने को लेकर किया बहिष्कार। गांव में मौजूद बंजारा समाज के प्रदेश प्रभारी दिनेश सिंह नायक द्वारा बताया गया कि सरकार ने बंजारा समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि 32 जिलों में बंजारा समाज एक अहम भूमिका रखता है। बंजारा समाज के गांव में लगभग 500 वोट हैं। सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर काले झंडे लगाकर चुनाव बहिष्कार की मांग उठाई तथा सभी ने भाजपा से कैलाश राजपूत को टिकट मिलने का विरोध किया। नायक समाज के लोगों द्वारा बताया गया है कि उनके समाज की सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं है। चुनाव का विरोध करते हुए सभी ने एकजुट होकर वोट न डालने का संकल्प लिया। इसमें संजीव नायक, राहुल नायक, विशाल प्रताप नायक, राजेश नायक, हरपाल सुनील नायक आदि लोग उपस्थित रहे। अरुण प्रताप सिंह की रिपोर्ट करता हूँ कि आज आप हमारी आवाज उठाने के लिए गाँव में आए हैं, तो मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने हमेशा वोट जो भाजपा सरकार को भी दिया, इससे पहले हमने बसपा को दिया, इससे पहले हमने समाजवादी को भी दिया। आज 2012 के बाद में सरकार भाजपा की आई और भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार में हमने बंजारा समाज ने चढ़ के हिस्सा दिया। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में हमने बहुत अच्छे से वोट किया। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव में बाबा जी की सरकार बनी, हमारा एक भी विधायक नहीं बना आज दिन तक, जबकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले में आज की डेट में 3000 जिला पंचायत है, 3052 विधानसभा हैं, हमें एक भी जगह से टिकट नहीं दिया गया हमारे समाज सेवियों को। इतने हमारे बंजारा समाज के भाई हैं, नेता हैं, जबकि धरातल पर कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हें एक टिकट नहीं देना चाहिए? क्या हमें इसलिए वोट बैंक के लिए माना गया है? अगर वोट बैंक के लिए अगर सरकार मानती है तो ऐसी सरकार का हम पुरजोर से समर्थन नहीं करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की तरफ से कहना चाहता हूं कि बंजारा भाइयों जागो और अपने को भी जगाओ, दूसरे को भी जगाओ। ऐसी सरकार के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाओ, आने वाले विधायकों को गाँव में ना घुसने दो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। हमें वोट इस बार नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि जब तक हमारा नेता नहीं तब तक हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे भी हैं कुछ। आज हमारा समाज देख रहे हैं देहाती क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, हमारा गांव जो है जस का तस है, कहीं विकास नहीं है। यहां विधानसभा की बात की जाए तिरवा की, तो आज हमारे गांव 5 साल पूरा हो गया, विधायक तक अभी दर्शन करने नहीं आए, अभी तक दर्शन करने नहीं आए। विधायक आए नहीं आपके गाँव में जैसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, ना सांसद आए ना विधायक आए, दोनों नहीं आए। हाँ, बिल्कुल नहीं आए। और दूसरी बात, ये वोट के लिए आते हैं और अब कहेंगे कि आपको गाड़ी देंगे, 11 देंगे, 12 देंगे। हमें गाड़ी तो छोड़ो, हमें स्टपनी नहीं चाहिए इनकी, इस बार हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे विधायक का हम बहिष्कार करेंगे जो हमारे समाज के लिए और हमारे विकास के लिए बात नहीं करेगा, तो उसके लिए हम नहीं करेंगे। क्यों? ये सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुझे बता दीजिए जाए कि कितने विधायक हैं बंजारा समाज के आए क्या इसमें? सर, भाजपा ने बंजारा समाज का विकास नहीं किया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया। राशन तो सबको मिल रहा है ना, जनरल कास्ट को मिल रहा है तो बंजारा समाज को मिल रहा है। आपने कहाँ से अलग से विकास कर दिया बंजारा समाज को? क्या राशन सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार बंजार समाज को ही दे रही है? तो सभी को मिल रहा है नहीं, राशन सबको मिल रहा है। जैसी आपने उनको श्रेणी में रखा वैसे हमें रखा। रही बात जनरल कास्ट का, एक नारा था कि जब तक 10% आरक्षण नहीं तो हम वोट नहीं करेंगे, आपने 8 घंटे के अंदर उनको आरक्षण दे दिया। तो हमारी भी मांग है कि जब तक हमारे समाज का राजस्वीकरण नहीं होगा और हमारे समाज का नेता नहीं आएगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे। जितना आप विरोध, बिल्कुल हम भाजपा के साथ रहे। मैं जिला का कार्य करता हूं सर, और मैंने बहुत अच्छे से कार्य को निभाया है। भाजपा जो नेता आते हैं वो तो वोट सिर्फ हमारे चेहरे के दम पे पाते हैं ना, जब हम कार्य अपने समाज में ठोस कदम देंगे तो हमारे समाज के जो युवा भाई हैं और ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं वो मेरे दम पे वोट देते हैं। अच्छा, जब इस समाज का आपने बहुत अच्छा काम किया, आप उसके सपोर्ट में, तो आप उनका इतने खिलाफ क्यों हो रहे हैं, क्या बात है? वो इसलिए हो रहे हैं कि समाज सर्वोपरि है। जैसे स्वाभिमान के लिए आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी बगावत कर चुके हैं, तो उनका भी एक स्वाभिमान होता है। आज मेरा स्वाभिमान ये है कि मेरी समाज मेरे साथ खड़ी है। जब मेरे समाज नहीं रहेगी तो मैं समाज का नेता नहीं बन पाऊंगा और ना मुझे नेता बनना है। मैं एक समाज से भी हूँ, मेरी आवाज़ इतनी है कि मेरी समाज के हित की बात हो और मेरे समाज का भागीदारी में आना चाहिए राजनीतिकरण में। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव 21 न्यूज़।